अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। होपफुली फ्रेंड आप सब ठीक होंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं हूँ घर में लेट लेट के बोर हो रहा था, तो मैं चलता हूँ अभी बाहर और कुछ खा पी के आता हूँ। सबसे पहले छली खाने का दिल कर रहा है, तो ये रहे हमारे छली वाले भाई। भाईजान अभी काम में लगे हुए हैं, सही से हो गए। छलियाँ बड़ी ताज़ी ताज़ी जो नज़र आ रही हैं मुझे, और इनसे छली लेते हैं अच्छी सी तक के थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएँ। खान साहब से दुआ सलाम है, ऐसे भी मेरी दोस्त हैं मेरे, तो इनसे हमने छली ले ली है। को बोला यार एक छली बनाओ हमारे लिए अच्छी सी। तो यार छली बनती कैसी है? छली बनने में यार 2 से 3 चीज़ें होती हैं। घर में चाहे जितनी भी बना लो वैसी वाली नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें आपको वो वाला टेस्ट नहीं मिलेगा। भाई छली बनती कैसे है यार? नमक होता है, नमक सही अच्छे मायने में गर्म करते हैं, उसके बाद जो है इसमें एक लोहे का रॉड होता है वो घुमाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये मैं भी खड़ा हूँ इसी दुकान के बाहर। खान साहब की बहुत बड़ी ड्राई फ्रूट की भी शॉप है, मैं अक्सर आता हूँ। तो ये मार्केट घर के साथ ही है, वहाँ पे जा रहा था मैं। ये रहे खान साहब लगे हुए बनाते हुए, एक्टिव मूड में काम पे लगे हुए हैं। अभी बनाओ भाई बनाओ। खान साहब कितने कितने की है जी छली? बात है और ये रेडी भी हैं। बहरहाल मैं थोड़ी सिर्फ 30 गर्म और ताज़ी वाली सब सुन लो भाई, सिर्फ 30 ताज़ी हैं। बहरहाल वो पट्टी से निकल के जो खाने का होता है अपना ही एक टेस्ट होता है ना, तो वो टेस्ट लेंगे आज। तो अभी खान साहब लगे हुए हैं जी, लगे रहे हैं खान साहब, गुड हो गया। तो अभी यार टाइम तो 5:30 हो गए आज। वैसे भी यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी, घर में सो सो के तंग आ गया था। और ये पट्टी तकरीबन ठंडी पड़ रही थी, तो खान साहब ने लकड़ियों का बंदोबस्त कर लिया, लकड़ी वगैरह डाल दिया और ये तकरीबन आग बेहतर हो गई है। तो अभी इसमें कस्टमर आ गए थे, इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो अभी फिर से खान साहब अपने काम पे लग गए और दिन तो ऐसे भी गुजर गया सारा। शाम का टाइम होता है बंदा बाहर निकलता है, तो इसलिए मैं बाहर निकला। सो फ्रेंड्स यार सपोर्ट किया करो भाई को, और कमेंट वगैरह भी कर दिया करो। तो ये छली रेडी होगी। थैंक यू यार। तो यार अभी छली तो आ गई है, चेक करें यार। अभी इसको हम खाएंगे, बड़ी गर्म है यार, बड़ी गर्म है यार, रात में भी नहीं पकड़ने हो रही। तो ये अभी हम इसको खाते हैं, बहुत ही मज़ेदार है, टेस्टी है। थैंक यू सो मच खान साहब।